हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, शाओमी ने अपना एक एक्सचेंज ऑफर निकाला है, जो कि मतलब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मतलब ये क्या ऑफर है, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या देना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, सब चीज़ पूछ रहे थे। तो मैं सोचा एक वीडियो बना के आपके साथ में शेयर कर दूँ और आपको बता दूँ क्या कुछ आपको एक्सचेंज ऑफर में मिलता है, क्या प्रोसीजर है और क्या बेनिफिट्स वगैरह है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो आपको बता दूं गाइस, शाओमी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है इंडिया में स्मार्टफोन सेलिंग के मामले में, सैमसंग तक के कंपनी को टक्कर दे रहा है। बट गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है, बट शाओमी को और आगे जाना है और आगे निकलना है, तो इसलिए इन्होंने एक्सचेंज ऑफर लॉन्च करा है। तो गाइस, एक्सचेंज ऑफर काम कैसे करता है, सपोज आपके पास कोई भी शाओमी का डिवाइस है, रेडमी नोट 4, रेडमी नोट 3, A1 या जो भी आपके पास डिवाइस है शाओमी का, पुराना नया जो भी है, आपको सेल करना है। तो गाइस, बेसिकली आप शाओमी के जो स्टोर है, ऑफिशियल स्टोर है, वहां पर अगर अपना पुराना फोन लेके जाओगे तो शाओमी के तो मतलब रहेंगे ही सब वर्कर लोग, प्लस वहां पर आपको एक कैशिफाई की टीम मिल जाएगी। और बहुत से लोगों को कैशिफाई के बारे में भी नहीं मालूम, तो वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस, कैशिफाई जो है वो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और एक वेबसाइट भी है, वहां पर आप अपने सेकेंड हैंड फोन को बेच सकते हो। वो आपका जो जितना भी वैल्यू रहेगी वो आप लोगों को बता देंगे, जो जो एसेसरीज आपके पास है वो आपको डालना पड़ता है और आपकी जो कंडीशन वगैरह वो आप लोगों को बताना पड़ता है एप्लीकेशन में या वेबसाइट में। तो उसके हिसाब से वो आपको, सपोज रेडमी नोट 3 है तो जो भी मेरे करंट प्राइस रहेगा सेकेंड हैंड का, वो अपने हिसाब से 5,000, 6,000, 7,000 के हिसाब से बताते हैं। उसके बाद में आपको बेचना है तो वहाँ पर जो उनका टेक्नीशियन या इंजीनियर है वो घर पे आएगा, आपके फ़ोन चेक करेगा और उनको अच्छा लगा तो आपको समझ 5,000, 6,000 जो भी है मुझे कैश पैसा हाथ में देगा और वो आपका फ़ोन लेके जाएगा। मतलब ये OLX जैसा ही है, बट यहाँ पर आपका सेलर बायर का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कैशिफाई वाला खुद ही लेता है फ़ोन और वो बाद में क्या करता है वो तो नहीं पता। तो गाइस, ये तो आपको समझ में आया होगा कि कैशिफाई क्या है। तो वहाँ पर कैशिफाई की टीम रहती है। अब सपोज़ मैं रेडमी नोट 3 लेके जाके उनको देता हूँ कैशिफाई की टीम को, तो वो चेक करेंगे, सपोज़ मेरा फ़ोन 5,000 में बिका है और मुझे शाओमी का मी A1 लेना है जिसकी प्राइसिंग 15,000 रुपये है, तो गाइस वो बेसिकली मुझे फ़ोन ले लेंगे और मुझे जो है 5,000 रुपये दे देंगे, मतलब जो मी A1 की जो प्राइसिंग है उसमें से 5,000 डिडक्ट कर देंगे। तो मतलब मुझे पे करना पड़ेगा 10,000 रुपीज़ शाओमी मी A1 के लिए और वो लोग वो फ़ोन ले लेंगे। तो गाइस, एक्सचेंज ऑफर है, मतलब कुछ इतना भी बड़ा ऑफर नहीं है, मतलब बेसिकली आपको एक मतलब कन्वीनियंट रहेगा कि मतलब वहीं तो वहीं आपका जो एक्सचेंज है, मतलब आप फ़ोन भी दे दोगे, मतलब आपको टेंशन या मतलब वहां पर जाके उससे मिलो उससे मिलो वो सब करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको शाओमी का फ़ोन बेचना है और शाओमी का फ़ोन में ही इंटरेस्ट है तो गाइस ये अच्छा खासा ऑफर है। अगर आपको दूसरे ब्रांड में जाना है तो मतलब जा सकते हो, बट अगर आपको शाओमी का ही चाहिए तो आप जाके ये कर सकते हो। तो वैसे ये था एक ऑफर, मतलब छोटा सी ऑफर, इतना कुछ बड़ी डील नहीं है। वैसे आपका अगर अदर कंपनी का भी फ़ोन है तो आप कैशिफाई में भेज सकते हो और शाओमी का फ़ोन तो ले ही सकते हो। तो गाइस, ये थी मेरी वीडियो, आपके साथ मैं शेयर करना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।